गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, आज हम क्या करते हैं, पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सिंपल प्रॉब्लम 1, 2 एंड 3, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। ठीक है, एक सॉल्यूशन ए है जिसकी पीएच की वैल्यू लेस देन 7 यानी कि 6 है, दूसरा क्या है बी है जिसकी पीएच की वैल्यू मोर देन 7 यानी कि 8 है। तो बताइए पहला क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब बताइए, जिसकी पीएच की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एच प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है या कम होती है। हाँ याद है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि बताइए किसकी, हाँ पीएच ऑफ सॉल्यूशन दिया था ना, और क्या पूछा हमसे, मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि पीएच की वैल्यू जिसकी कम उसकी एच प्लस आयन कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा, यानी कि पहला का आंसर क्या आएगा ए। देखिए पहला आंसर आएगा, वी नो दैट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दिस मीन्स दैट द सॉल्यूशन हैविंग लोअर पीएच विल हैव मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इन दिस केस सॉल्यूशन ए हैविंग अ लोअर पीएच वैल्यू ऑफ 6 विल हैव मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। अब देखिए जिसमें एच प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं उनकी एसिडिक इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा होती है। तो बताइए एच प्लस आयन कंसंट्रेशन अभी हमने देखा था किसकी ज़्यादा आती है, ए की। तो बताइए एसिडिक कौन होगा, ज़्यादा एसिडिक ए होगा या बी, डेफिनेटली ए होगा। दूसरी आपको ऐसे भी पता होगा कि जैसे जैसे पीएच की वैल्यू कम होती जाती है एसिडिक इफेक्ट वैसे वैसे क्या होता है बढ़ता जाता है, तो क्योंकि 8 और 6 में पीएच वैल्यू किसकी कम है, ए की, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू बी। वैसे अगर हम बात करें तो बी क्या है, बेसिक है नेचर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 5 सॉल्यूशंस ए बी सी डी एंड ई, मेरे पास 5 सॉल्यूशन है, कौन कौन से, ए है बी है सी है डी और ई है। बताइए पहला क्वेश्चन क्या है, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, तो जिसके जिसका पीएच के वैल्यू 7 होगा वही न्यूट्रल होगा, यानी कि कौन है वो, डी। पहला का आंसर क्या आ गया, डी। दूसरा स्ट्रॉन्ग अल्कलीन, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मतलब हाँ जो बेस हो, बेस कौन से होते हैं जिसकी पीएच की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, इसमें देखिए पीएच की वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन सी है, 3 यानी कि सी की, तो हमारा सेकेंड आंसर क्या होगा, सी। तीसरा स्ट्रॉन्गली एसिडिक, यानी कि जिसकी पीएच की वैल्यू सबसे कम कौन है वो, सेकेंड यानी कि 1 है ना, ठीक है यानी कि बी। नेक्स्ट देखिए वीकली एसिडिक, एसिडिक तो है लेकिन वो वीक एसिड है, यानी कि उसकी पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी लेकिन पीएच की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, देखिए कौन है वो। पहले इसमें कौन कौन से एसिडिक है, 2 ही एसिडिक है, 4 और 1, जिसमें से ये 1 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या हो गया हमारा, वीक एसिड, यानी कि कौन सा नंबर पे है ये, ए बी ए है, तो आंसर क्या आएगा, ए ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वीकली अल्कलाइन, यानी कि बेस में भी वीक बेस होना चाहिए, वीक बेस कौन होगा जिसकी पीएच की वैल्यू पहली बात तो 7 से बड़ी हो, दूसरी बात 14 से कम हो। अब देखिए हमारे पास दो बेस है, एक 11 वाला एक 9 वाला, अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा जिसकी पीएच की वैल्यू ज़्यादा थी यानी कि 11, तो वीक बेस कौन हो गया, ये 9 वाला यानी कि लास्ट ई, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट है, देखिए क्या है, अरेंज द पीएच इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ध्यान रहे हमें इसको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ऑर्डर में लिखना है, तो बताइए पहले हम देखते हैं जिसकी पीएच ज़्यादा उसकी एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम, हाँ कम होती है ना, तो पहले लिख लेते हैं हम पीएच का ऑर्डर किधर गया। सो देखिए पीएच सबसे छोटा किसका है, पहला यानी कि ये कौन है, बी है, उसके बाद कौन है, 4 यानी कि
ए, उसके बाद कौन है सेवन, यानी कि डी, यहाँ लिख लीजिए डी, उसके बाद नाइन ई, उसके बाद इलेवन यानी कि सी। ये देखिए पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि इसकी पीएच सबसे कम और इसकी पीएच सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसकी पीएच की वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। तो बताइए इसकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सबसे कम या सबसे ज़्यादा, हाँ सबसे ज़्यादा। कौन सा ऑर्डर लिखना है हमें, पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई एंड ग्रेटर देन सी, ये ऑर्डर होगा। सबसे ज़्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसका, बी का, और सबसे कम किसका, सी का। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पी एच वैल्यू किसका है, सी का। हमें कौन सा ऑर्डर लिखना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि हमें सबसे पहले वो लिखना है जिसकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन सबसे कम होगी, यानी कि हम पहले किसको लिखेंगे, C को, फिर हम किसको लिखेंगे, E को, फिर D को, फिर A को, और फिर हम किसको लिख देंगे, B को। सही है, कर सकते हैं। चले आइए आंसर मैच कर लेते हैं। देखिए आंसर वही दिया, सी ई डी ए बी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आसान है। बस ध्यान क्या रखना आपको कि H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ाने से पीएच की वैल्यू लगातार घटती रहती है, अगर आप यहाँ भूल गए तब तो फिर आपका गेम हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या यूज है, आइए डिस्कस करते हैं। द पीएच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेनी एक्टिविटीज ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, फॉर एग्जाम्पल पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमक इज इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हमारे डाइजेशन में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके लिए पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द पीएच चेंजेस इन माउथ, जो हमारे माउथ का सलाइवा है उसका पीएच क्या होता है, चेंज होता है, बिकम्स अ कॉज ऑफ टूथ डिके, और उसकी वजह से हमारी दांतें क्या होती है, सड़ने लगते हैं, कैविटी होने लगता है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ पीएच, चाहे वो प्लांट्स का ग्रोथ हो या एनिमल्स का ग्रोथ हो, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से पीएच पे डिपेंड करता है। एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड सम प्लांट्स मेक यूज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक लिक्विड, वो क्या करते हैं, एसिडिक या बेसिक लिक्विड्स का यूज करते हैं फॉर सेल्फ डिफेंस, हाँ वो भी किसके लिए, अपने आप को बचाने के लिए। सबसे अच्छा एग्जांपल आपने एंट का देखा होगा, एंट जब आपके पैर के नीचे आ जाती है, दो कैसे होता है, या तो वो मर जाएगी या तो बच जाएगी, अगर वो बच गई तब तो फिर आपको क्या करेगी, वो स्टिंग करेगी यानी कि काट लेगी। एक्चुअली होता क्या है, जब वो स्टिंग करते हैं तो उनके अंदर एक एसिड होती है, कौन सी एसिड होती है, वो गुड फॉर्मिक एसिड, जब आपको काटने हैं तो उस फॉर्मिक एसिड को अपने बॉडी के अंदर से निकाल कर क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर वो डाल देते हैं, क्योंकि उस एरिया पे अभी नया नया फॉर्मिक एसिड आता है हमारे बॉडी में, इसलिए वहाँ इरिटेशन होने लगती है, वो जलन होने लगती है, और वो कभी कभार वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाती है। और ये जो एसिड है ना फॉर्मिक एसिड, इसका नाम पता कहाँ से लिया गया है, फॉर्मिका, और फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंट, हाँ कौन सी एंट, रेड एंट, जो लाल चींटी होती हैं उनके अंदर ये एसिड मिलती है, इसलिए इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। चले पहला हम यूज देखते हैं, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच कैसे हेल्प करता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए पहला, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ जो हमारा स्टमक है वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होती है, जिसकी पीएच वैल्यू लगभग 1.4 या 1.5 के आसपास होती है। दिस डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आवर फूड, ये जो डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डायलूट क्यों, क्योंकि ये वाटर में मिक्स होती है, दैट हेल्प्स इन द डाइजेस्टिंग ऑफ आवर फूड, ये हमारे फूड के डाइजेशन में हमें हेल्प करती है, बिना नुकसान पहुँचाए, विदाउट हार्मिंग द स्टमक,
ऐसा नहीं है कि वो हमारे पेट को ही जलाना शुरू कर दे। लेकिन कई बार आपने सुना होगा लोगों को क्या होता है, पेट में जलन होने लगती है, होता है ना, हाँ, उसे क्या बोलते हैं, एसिडिटी। यानी कभी कभार हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड की अमाउंट वो बढ़ जाती है। अगर ऐसा हुआ तो हम एसिडिटी से सफ़र करने लगते हैं और उस केस में हमें इनो वगैरह लेना पड़ता है। एक्चुअली ये जो इनो वगैरह है ये क्या होते हैं, ये ना बेस होते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, बेस क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है और वो जैसे जाते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस तरह से हमें आराम मिल जाता है। समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक ड्यू टू द वेरियस रीजंस, अलग अलग कारणों की वजह से कई बार हमारी बॉडी के अंदर एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है। द एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉजेस इनडाइजेशन, और इसकी वजह से, क्योंकि जब एक्स्ट्रा एसिड हमारे बॉडी में आ जाता है तो हमारा जो फूड का डाइजेशन होना होता है वो बंद हो जाता है या फिर हमारा फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, विच प्रोड्यूसेस पेन एंड इरिटेशन, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होने लगती है। इन ऑर्डर टू क्योर इनडाइजेशन एंड गेट रिड ऑफ द पेन, अब क्योंकि पेन हो रही है और डाइजेशन पूरा नहीं हुआ है तो डाइजेशन कंप्लीट करने के लिए और मुझे पेन से बचने के लिए वी कैन टेक बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स, फिर हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम बेस ले सकते हैं, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंटासिड्स मीन्स एंटी एसिड, एंटी का मतलब अगेंस्ट, ऐसे लोग जो किसी के अगेंस्ट होते हैं उनको बोलते हैं एंटी, ऐसा बोलते हैं ना एंटी टेररिस्ट। एंटी टेररिस्ट कौन होते हैं, जो टेररिस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं। उसी तरह से एंटी एसिड, ये जो वर्ड है उसका मतलब होता है जो एसिड के खिलाफ काम करे, वो कौन है, बेस, और हमको बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड्स आर अ ग्रुप ऑफ मिल्ड बेसिस, अब आपके माइंड में चलोगे ये मिल्ड क्या है, मिल्ड का मतलब हाँ वीक। एंटासिड्स आर अ ग्रुप ऑफ वीक बेसिस विच हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द बॉडी, जिसका हमारे बॉडी पे कोई भी पॉइजनस इफेक्ट या ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। बींग बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये नेचर में बेसिक होते हैं, एंटासिड्स रिएक्ट विथ एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट, तो क्या करते हैं, जो एसिड हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाती है उसके साथ रिएक्शन करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जैसे वो न्यूट्रलाइज करते हैं हमारी जो पेन होती है, इरिटेशन होती है, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। दिस गिव्स रिलीफ टू द पर्सन कंसर्न्ड, अब वो व्यक्ति जो कि इनडाइजेशन से परेशान था उसको आराम मिल जाता है। द टू कॉमन एंटासिड्स यूज फॉर क्यूरिंग इनडाइजेशन ड्यू टू एसिडिटी आर, अगर हम दो एंटासिड्स की बात करें जो कि कॉमन है, मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, वो है पहला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, जो कि हमारे घर पे आराम से मिल जाता है। तो अब आपको हम बता दें क्या नोट करना है आपको, आप यहाँ से नोट कर लेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से नोट करेंगे एंटासिड्स यहाँ तक, ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, यहाँ से नोट करेंगे यहाँ तक और उसके बाद एग्जांपल्स नोट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपको कॉपी में नोट करना। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट एप्लीकेशंस का डिस्कशन करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।